स्टूडेंट्स आई एम योर साइंस टीचर हम पढ़े थे यूनिट नंबर टेन जो कि है लाइट के बारे में पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कुछ दो टर्म्स की डिटेल पढ़ी अब हम उसी के बारे में कुछ और डिटेल में जाएंगे तो आइए शुरू करते हैं तो फिर सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या फर्क है रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट वेन इट स्ट्राइक्स अ प्लेन सर्फेस जब लाइट किसी प्लेन रिफ्लेक्टिव मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल सर्फेस को स्ट्राइक करती है इसका मतलब यह है कि हर सर्फेस से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती कुछ सर्फेसिस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं कुछ कलर्स भी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं प्लेन मिरर की ये एक प्लेन शाइनी मिरर है जिससे लाइट आके स्ट्राइक कर रही है और बाउंस बैक कर रही है हमने पढ़ा कि लाइट आके स्ट्राइक करके बाउंस बैक करने को कहते हैं रिफ्लेक्शन और जो रे सोर्स से आती है सरफेस की तरफ वो होगी इंसिडेंट रे और जो रे स्ट्राइक करके वापस जाएगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रे सेकंड हमारे पास डेफिनेशन है रिफ्रैक्शन की द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर रिफ्रैक्शन कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट को इसका मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो अपनी डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज करेगी ये चेंज कैसे होगा आइए देखते हैं ये है हमारी बाउंड्री दिस एयर एंड दिस इज वॉटर एयर से लाइट जब वॉटर में एंटर हुई तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई उसकी वजह यह होती है कि लाइट की स्पीड एयर में बहुत ज्यादा होती है और किसी भी डेंस मीडियम जैसे कि वाटर में कम होती है जब तेज से आती हुई लाइट अपनी स्पीड को कम करेगी तो एंगल भी चेंज हो जाएगा इसलिए होती है रिफ्रैक्शन जिस तरह पहले इंसिडेंट रे पड़ी उसी तरह यहां भी होगी कि जब सोर्स से लाइट आ रही है तो उस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे मीडियम में एंटर होके जब लाइट बेंड कर जाएगी तो उसको हम कहेंगे द रिफ्रैक्टेड रे अब पिछले लेक्चर में हमने एक फिनिना पढ़ा था वो था कि मिरर के अंदर इमेज किस तरह फॉर्म होता है और वो अफेक्ट था हमारा रिफ्लेक्शन मतलब के पहली वाली टर्म का हमने उसका इफेक्ट पड़ा और वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा रिफ्रैक्शन का इफेक्ट होता है तो उसको मैं रिवाइज करवाते हुए चलती हूँ दूसरे बोर्ड की तरफ मेरे साथ रहिएगा तो यहाँ है अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट कुछ ऐसी चीज होती है कि एक्चुअल में ना हो मगर हमें नजर आए मतलब अपेरेंटली मतलब देखने में क्या चीज कैसी लग रही है अपेरेंट डेप्थ से पता चलता है कि डेप्थ कहते हैं गहराई को अब अपेरेंट डेप्थ का मतलब हमें सुन के पता चल रहा है कि ये बात हो रही है देख के हमें कोई डेप्थ नजर आ रही है और डेप्थ होगी पानी में exactly। अब हम चलते हैं इससे पहले पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे जब हमने मिरर फॉर्मेशन में मिरर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा तो हमने देखा कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था मिरर के सामने और इमेज हमें लग रहा था कि वो है मिरर के पीछे उसको हमने नाम दिया था वर्चुअल इमेज का ऐसा इमेज जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ना करता हो मगर हमारी इमेजिनेशन में हमें नजर आ रहा हो मतलब अपीयर हो रहा हो बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट के साथ हम पढ़ेंगे अपेरेंट डेप्थ जो कि है रिफ्रैक्शन का एक इफेक्ट तो आइए शुरू करते हैं द ब्रेन इज ट्रिक्ट इन टू थिंकिंग दैट थिंग्स आर इन अ डिफरेंट प्लेस फ्रॉम वेयर दे रियली आर इसका मतलब यह है कि हमारा ब्रेन ट्रिक हो जाता है चीज जहां पड़ी हुई है हमें वहां नजर नहीं आती ये वो कॉन्सेप्ट है जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था जिसको हमने कहा था लेटरल इन हमने देखा कि मिरर में ऑब्जेक्ट सामने के बजाय पीछे नजर आ रहा है इसी तरह यहां पर ऑब्जेक्ट आपके राइट right पे पड़ा है मगर हमें नजर आएगा लेफ्ट पे इसको कहते हैं लेटरल अब हमारा ब्रेन ट्रिक कर रहा है और एक वर्चुअल इमेज यहां पर भी फॉर्म होगी देखते हैं कैसे ये आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है इस बीकर के अंदर है पानी और पानी के अंदर यहां पर हमने रख दिया एक स्टोन एक्चुअल स्टोन हमारा 2 मीटर 2.5 बल्कि 2.5 मीटर की डेप्थ पर पड़ा हुआ है एक्चुअली स्टोन हमारा 2.5 मीटर की डेप्थ पर पड़ा हुआ है मगर यहाँ से जब ह्यूमन आई ने देखा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एंटर होते ही लाइट रिफ्रैक्ट करेगी और रिफ्रैक्ट करके वो इमेज कहीं और बनाएगी इमेज फॉर्म होता है इधर और डेप्थ है 1.5 मीटर आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं ग्लास में पानी लें और उसमें एक कॉइन डालें। अब कॉइन की जो डेप्थ होगी हमें कॉइन वहां नजर नहीं आएगा हमें उससे कम डेप्थ पर थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके ऊपर ही पड़ा हुआ नजर आएगा इसको कहते हैं अपेरेंट डेप्थ अपेरेंट डेप्थ एक वो डेप्थ है जो एक्चुअली है 2.5 मीटर दिस इज द एक्चुअल डेप्थ अब वो डेप्थ जो ह्यूमन आई को नजर आ रही है दैट इज 1.5 मीटर जिसको हम कहेंगे अपेरेंट डेप्थ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वर्चुअल इमेज बना था जो एक्चुअली में वहां नहीं था इसी तरह अपेरेंट डेप्थ हमें नजर आएगी जो कि एक्चुअली वो नहीं है इसको कहते हैं दी इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट इतनी आसानी से आपको याद नहीं रहेंगे अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो इस लेक्चर को अभी पॉज करके जाएं पहले वो लेक्चर देखें और फिर वापस आके ये देखें स्टूडेंट्स well इसी तरह हमने अपने कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेके चलना है लाइट पढ़ते हुए इट इज़ वेरी टू अंडरस्टैंड कि लेंस क्या होता है उसके बगैर लाइट पढ़ने का कोई फायदा नहीं तो आइए हम देखते हैं कि लेंस होता क्या है और उसकी क्या टाइप्स है आपके सामने लिखी हुई है लेंस की डेफिनेशन मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ

यही दो तरह के लेंस हैं और इसके अलावा ये कहां कहा यूज होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे अब देखते हैं कि ये लाइट को कंसेंट्रेट करना और डिस्पर्स करना क्यों जरूरी है यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंसेंट्रेटिंग अब कंसेंट्रेटिंग को हम कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं इसका मतलब है कि जब ढेर सारी लाइट आ रही हो मतलब हमारे पास अप्रोक्सीमेटली टेन रेज ऑफ लाइट आ रही हैं। तो जब वो इस लेंस से गुजरेंगी तो ये उन सब लाइट रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पर मिला देगा मतलब इकट्ठा करने को कहते हैं कन्वर्ज करना या फिर कंसंट्रेट करना ऐसे लेंस को कि जो लाइट को कन्वर्ज करता है उसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस और यहाँ पर उसका नाम है कन्वेक्स लेंस और आपने ये साथ साथ नोट्स बनाते जाने हैं वरना ये चीजें भूल जाएंगी तो कन कन्वर्जिंग लेंस आर कन लेंस सेकेंड है डिस अब इसमें इसका दूसरा लफ्ज होगा डाइवर्जिंग। अब आपने याद रखना है कि डाइवर्ज करना किसको कहते हैं इट इज द ऑपोजिट ऑफ कन्वर्ज जब लाइट रेस आई और सारी लाइट रेस को उन्होंने इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पर दैट इज कन्वर्ज अगर इसके ऑपोजिट लाइट रेस को वो डिस्पर्स कर दें इनटू ऑपोजिट डायरेक्शंस तो वो होगा डायवर्ज कन्वर्जिंग लेंस थे हमारे कन्वेक्स लेंस और डायवर्जिंग लेंस होंगे हमारे कनकेव लेंस अब देखते हैं इन दो लेंस की डिटेल्स को और इनमें क्या डिफरेंस है कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडिल थिन अराउंड द एजेस यही वजह है कि मैंने एक छोटी सी डायग्राम यहाँ बनाई है कन्वेक्स लेंस इज थ आप देख रहे हैं कि बीच की इसकी थिकनेस ज्यादा है और यहाँ की इसकी थिकनेस कम है इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस थिक इन द मिडल एंड थिन अराउंड द एजेस अब ये कहा यूज होता है इट इज यूज इन मैग्निफाइंग ग्लास एंड टेलीस्कोप लाइट को कन्वर्ट करने की जरूरत हमें कब पड़ती है मैग्नीफाइंग ग्लास आप सबने देखा ही होगा जब छोटे से टेक्स्ट को बड़ा करके देखना हो तो हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वहां यूज किया गया होता है कन वैक्स लेंस और वो हमें बड़ा करके मतलब मैग्नीफाई करके इमेज दिखा देता है दूसरी इसकी एप्लीकेशन है इन टेलीस्कोप टेलीस्कोप इसके ऑपोजिट है पास की चीज को नहीं बल्कि बहुत दूर की चीज को अगर हमने मैग्निफाई करना हो तो तब भी हम यूज करते हैं मिडल थिक अराउंड अब जिस तरह की कन्वेक्स लेंस था बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा केव लेंस कन्वेक्स लेंस बीच में से थिक था केव लेंस बीच में से होगा थिन और इसी तरह क्योंकि कन्वेक्स लेंस था अपने एजेस से बिल्कुल थिन इसलिए हमारा होगा एजेस से थिक ये होता है डिफरेंस और कनकेव लेंस का ताकि आप उसको देखते ही पहचान जाएं अब देखते हैं कि ये यूज कहाँ होता है यूज इनडोर पीप होल्स एंड फ्लैश लाइट अब आप सोच रहे होंगे कि पीपोल्स क्या होते हैं इट इज नॉट एक्चुअली कॉमन इन आवर कंट्री मगर जितने भी वर्ल्ड वाइड कंट्रीज हैं बाहर की तमाम कंट्रीज में हर दरवाजे पर एक पीप होल होता है उसका फायदा ये होता है कि जब भी बेल रिंग होती है तो वो उस होल से बाहर आराम से देख सकते हैं कि कौन आया है अब ये सिर्फ आम होल नहीं होता इसमें लगा होता है कनकेव लेंस अब बंदा जितना भी पास खड़ा होगा कनकेव लेंस हमें वो थोड़ा सा दूर करके बहुत क्लियर इमेज करके दिखा देगा इसलिए ये लगाया जाता है पीप होल्स में सेकेंड इज फ्लैश अब फ्लैश में क्या जरूरत पड़ती है लेंस की क्योंकि मैंने बताया कि कनकेव लेंस डाइवर्ज करता है लाइट को डाइवर्ज करने का मतलब है लाइट रेज को डिस्पर्स मतलब फैला देता है इसीलिए फ्लैश लाइट की हमारी इंटेंसिटी डबल होती है एज कंपेयर टू सिंपल लाइट क्योंकि उसके सामने लगाया जाता है कनकेव लेंस पीछे से जब लाइट रेज आती हैं, तो कंकेव लेंस उन सबको डिस्पर्स करके उनकी जो इंटेंसिटी है और लाइट है उसको मैग्निफाई कर देता है अब इनमें और क्या क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और ये भी देखेंगे कि इमेज किस तरह की फॉर्म होती है दोनों लेंस में आप साथ साथ नोट करते जाइएगा क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाला है तो अब देखते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। कन्वेक्स लेंस इज डिफरेंड टू करेक्ट फॉर यहां हमारे पास दो न्यू टर्म्स आ गई फॉर साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस ये क्या होती है हम ये देखते हैं कि कुछ लोगों को दूर की चीजें क्लियर नजर नहीं आती और वो लगाते हैं ग्लासेस इसी तरह आपने देखा होगा अपने घर में एजेड लोग जितने भी आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कभी भी किसी ने पास की कोई चीज पढ़नी हो तो वो लगाते हैं ग्लासेस अब दूर की चीज देखने के लिए भी ग्लासेस चाहिए और पास की चीज देखने के लिए भी ग्लासेस चाहिए इन दोनों में फर्क होता है लेंस का उसको हम कहते हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस अब हम पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल में फॉर साइटेडनेस को लॉन्ग साइटेडनेस भी कहते हैं इसका मतलब ये है कि हमें दूर की चीजें क्लियर नजर आ रही हैं मगर पास की चीजें हमें क्लियर नजर नहीं आ रही बल्कि ब्लर नजर आ रही हैं जब ऐसी कंडीशन हो आंखों की तो हम लगाते हैं कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स लेंस लगाते ही जिस तरह मैंने बताया मैग्नीफाइंग ग्लास में भी पास की टेक्स्ट को बड़ा करके दिखा देता है कन्वेक्स लेंस इसी तरह जब करीब की नजर कमजोर हो तो यही होता है कि कन्वेक्स लेंस लगा के हमें करीब का लिखा हुआ छोटा छोटा टेक्स्ट भी क्लियर नजर आ जाता है सेकंड होता है नियर जिसको हम शॉर्ट डिस्टेंस मतलब मतलब पे पड़ी हुई चीजें हमें क्लियर नजर आ रही है और दूर की चीजें हमें क्लियर नजर नहीं आ रही बल्कि ब्लर नजर आ रही हैं, ऐसी कंडीशन जब आंखों की हो तो हम उसके ऊपर लगाएंगे कन लेंस और कनकेव लेंस लगाते ही जो दूर की इमेज है वो भी हमें क्लियर नजर आने लग जाएगी तो ये होता है दोनों लेंस का सिग्निफिकेंस या फिर एक सिग्निफिकेंट यूज हमारी लाइफ में अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन पहले देखते हैं आसान वाला मतलब कनकेव लेंस इमेज अपीयर्स स्मॉलर एंड ऑलवेज इन एन अपराइट पोजीशन। अपराइट कहते हैं सीधे को इमेज हमेशा एक्चुअल इमेज से छोटा नजर आएगा मगर क्लियर होगा और स्ट्रेट ही नजर आएगा वही एग्जाम्पल वापस रिकॉल करते हैं द डोर पीप होल्स उसमें से जब हम अगले बंदे को देखते हैं तो वो बहुत ऊपर चढ़ के दरवाजे के खड़ा भी हो तब भी हमें छोटा नजर आता है क्योंकि कनकेव लेंस हमें स्मॉलर इमेज बना के देता है मगर हमें वो बंदा सीधा ही खड़ा नजर आता है उल्टा नहीं यहाँ पर अगर हम देखें ऑपोजिट कन्वेक्स लेंस तो वहां पर हमारी इमेज होती है इनवर्टेड वो कब होती है वो भी देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस दो कंडीशंस हैं अगर हम कन्वेक्स लेंस को हाथ में पकड़े और बिल्कुल अपने टेक्स्ट के सामने रखें तब क्या होगा इफ हेल्ड क्लोज टू दी ऑब्जेक्ट लार्जर इमेज एंड अपराइट जब हम बिल्कुल पास टेक्स्ट के अपने उस कन्वेक्स लेंस को रख रहे हैं तब हमें इमेज मैग्निफाइड मतलब एक्चुअल से थोड़ा बड़ा और क्लियर और बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में नजर आ रहा है मगर सेकेंड कंडीशन क्या है इफ हेल्ड एट वन आर्म डिस्टेंस अगर हम उस मैग्निफाइंग ग्लास को ही ले लें हम उसको अगर बिल्कुल टेक्स्ट के पास नहीं रखते और वन आर्म डिस्टेंस मतलब वन आर्म डिस्टेंस पे रखते हैं तब हमें इमेज कैसा नजर आएगा स्मॉलर इमेज अपसाइड डाउन मतलब इमेज एक्चुअल से स्मॉल हो जाएगा एक्चुअल इमेज से स्मॉल हो जाएगा और हमें नजर आएगा अपसाइड डाउन मतलब सीधा इमेज हमें उल्टा नजर आएगा और ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग घर में कर सकते हैं तो हमने देखा कि लेंस कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में इनकी दो कैटेगरीज हैं और दोनों कैटेगरीज डिफरेंट तरीके से यूज की जाती हैं मगर यूज करना और इनको काम में लाना बहुत आसान है हम इसको घर में एक्सपेरिमेंट करके भी समझ सकते हैं और इस लेक्चर को बार बार सुन के भी समझ सकते हैं अपने नोट साथ बनाते रहिएगा और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही अल्लाह हाफिज